नमस्कार, आप देख रहे हैं रियासी जेके न्यूज़। मैं हूं रामस्वरूप शर्मा। इस वक्त मैं तहसील पौनी के पास लगता क्षेत्र ठंडे पानी में मौजूद हूं। मैं पहले बता दूं, ये सभी लोग इकट्ठे हुए हैं। ये क्यों इकट्ठे हुए हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा। आप देख सकते हैं सभी लोग ये जो इकट्ठे हुए हैं, ये ठंडे पानी में इकट्ठे हुए हैं। और इनका इकट्ठे होने का कारण ये है कि नेटवर्किंग का जो इशू है, प्रधानमंत्री मोदी जी का सपना है कि हम डिजिटल भारत बना रहे हैं, लेकिन मैं बता दूं आपको, कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पे मोबाइल की जो कनेक्टिविटी है उससे भी ये लोग दूर हैं। और लगातार 2 साल से कोरोना काल चल रहा है और जो इनके जो बच्चे हैं उनकी जो पढ़ाई है वो भी नहीं हो पा रही है। पूरा मामला क्या है इनसे ही जानेंगे। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शाह फैसल खटाना है। हम पौनी, तहसील पौनी, और ये हमारी पंचायत कुंड खंडियाड़ी और वार्ड नंबर 7 से। तो यहाँ पे हमारे टावर की बहुत प्रॉब्लम है। हमारे छोटे छोटे बच्चे जो कि ऑनलाइन कहाँ से पढ़ेंगे, टावर नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ सिग्नल की प्रॉब्लम होती है। जब आपको बातचीत करनी होती है घर वालों के साथ, परिजनों के साथ, कैसे बात करते हैं? वहाँ 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर किसी पहाड़ी पे चढ़ के या कहीं शहर में जाना पड़ता है, तो फिर वहाँ पे जाके हम टावर आता है तो हम बात करते हैं आप लोगों के साथ। तो यही हमारी गवर्नमेंट और गवर्नमेंट खास करके रियासी जो DC साहब है उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें जल्द से जल्द यहाँ पे टावर की कोई लगाया जाए ताकि हम इसका ये फ़ायदा उठा सकें। इस टाइम भी अगर हम फ़ायदा नहीं उठा सकें, 2022 लग चुका है, तो फिर कब हम फ़ायदा उठाएंगे? यही रिक्वेस्ट है सर आपसे मेरी। ये मैं और भी कुछ लोग हैं उनसे जानना चाहूँगा। नाम क्या नाम है आपका? मेरा नाम शहनाज है, मैं ठंडा पानी से बात कर रही हूँ। हमारी एक रिक्वेस्ट है कि जब हम किसी की डेथ हो जाती है, हम किसी को इन्फॉर्म करते हैं, हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट होता है। हमारी ये रिक्वेस्ट है कि हमारे जल्द ही जल्द यहाँ पे एक टावर लगना चाहिए। किसी भी कंपनी का यहाँ पे नेटवर्क नहीं आता है और बच्चों के लिए पढ़ना इतना डिफिकल्ट है कि हम उनको पूरी पढ़ाई भी नहीं करवा पा रहे हैं। अगर किसी से बात करनी होती है हमें दूर जाना पड़ता है, आधा किलोमीटर तक। तो कैसे, अभी 2 साल हो गए अपने बच्चों को, आप कैसे पढ़ा रहे हैं? कहीं दूर जाके देखते हैं कि मैसेज आए होते हैं तो फिर देखते हैं, ऐसे तो नेटवर्क आता ही नहीं है बिल्कुल भी यहाँ पे। फिर अभी आप क्या अपील करोगे? DC साहब आपको देख रहे हैं या एडमिनिस्ट्रेशन आपको देख रहे हैं, वो आपको क्या आपकी अपील रहेगी? हम यही रिक्वेस्ट करते हैं कि किसी भी कंपनी का यहाँ पे टावर लगाया जाए। जगह देने के लिए आप लोग तैयार हो? हाँ बिल्कुल जी। मैं पंच हूँ यहाँ 7 नंबर वार्ड का, कौंड खनियाड़ी ST महला है। ये लोग जेड़े ना, ये सारे मेरे वोटर है ना जी। मैं भी इतने आया जिस कड़ी बहुत मुश्किल होती है टावर की, टावर की बहुत मुश्किल है। सब लोगों की के है जी, टावर की जरूरत है। तुसे कोई अपील की थी पहले कि कोई रिक्वेस्ट की थी कोई टावर लाना से? कुछ कल ही डिस्कस किया। ये सिर्फ हमने ऐसे साल के किया है जी, इशू किया इनको बोलने के लिए जी, यहाँ टावर चाहिए हमको। क्या नाम है? शाहिन। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? सिक्स्थ में। अभी कैसे पढ़ाई हो रही है आपकी? टावर नहीं चलता, फोन पे काम नहीं आ रहा है? तो फिर पहले कैसे करते थे आप पढ़ाई? तो बाकी वाले बच्चे वो कैसे पढ़ रहे हैं? इधर के जो सारे बच्चे हैं घर में बैठ के पढ़ते हैं। काम का कैसे पता चलता आपको कि हमें ये काम मिला आज? पता चलता है? नहीं पता चलता। तो ये हालत है जो बच्चे शाइन है, ये 6th क्लास में पढ़ रही है। और मैं आपको बता दूं ऑनलाइन क्लासेस लगी हैं, लेकिन इनके जो जहाँ पे नेटवर्क नहीं है उस कारण इनका जो पढ़ाई जो है वो सफर हो रही है। 2-3 साल हो गए, 2 साल है कोरोना चलते हूँ। सारे बच्चे जड़े पढ़ते हैं स्कूल बंद हो गए, हूँ ऑनलाइन कि पढ़ाई करनो। जनाब टावर की बहुत प्रॉब्लम थे। DC साहब की सारी ये रिक्वेस्ट है कि असं जल्दी के जल्दी टावर लाए जाए असं, ताकि बच्चे का कुछ बने। बाकी इतने महाराज कोठियों के केस गए न, अज तक कोई 2 साल हो गए ना, अं कोई केस नहीं आया इतने। सारिया कोठियां कच्चिया न, कोई तवा दी कोई कियां वाली। बाकी रोड इतने है नहीं, अद्धे बंदे है थोड़ा रोड, बाकी इं बेचारे कणक उनकी सड़ी जाती है जल वर्खा वरती है। इतने कोई कोरोना काल चल रहा है। और मैं आपको बता दूँ तहसील पौनी के लगता क्षेत्र ठंडा पानी में, जहाँ पे किसी भी कंपनी का नेटवर्क नहीं है। इससे मैं हम आधा किलोमीटर की चढ़ाई चढ़ के इस पहाड़ी के पास आए हैं। मैं आपको बता दूं जहाँ पे 50 से 60 घर हैं जिनके बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं, लेकिन कोरोना काल चल रहा है उस कारण सरकार ने स्कूल को बंद कर दिया गया किया है, क्योंकि कोरोना काल चल रहा है आप सबको पता है। और आजकल ऑनलाइन ही पढ़ाई हो रही है, जो भी काम शाम होता है वो मोबाइल पर आता है, लेकिन ये जो बच्चे हैं वो
पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि जहाँ पे किसी भी कंपनी का नेटवर्क नहीं है। इनका कहना है कि जब हम कहीं मार्केट में या कहीं नेटवर्क की जगह में पहुँचते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारे बच्चों को जो काम मिला है, फिर ही हम अपने बच्चों को बोलते हैं, लेकिन जो ऑनलाइन क्लासेस जो हैं वो अटेंड नहीं कर पा रहे हैं। हमारी एडमिनिस्ट्रेशन से तो अपील रहेगी कि जहाँ पे कहीं ना कहीं कोई भी किसी भी कंपनी का नेटवर्क हो ताकि ये भी बच्चे पढ़ सकें।